भारी बारिश से ऊना नंगल रेलवे ट्रैक पर लहासे गिरने से रेल यातायात भी बाधित हो गया है। सोमवार शाम 6 बजे के बाद ऊना रेलवे स्टेशन से कोई भी ट्रेन नहीं चली और न ही दिल्ली से गाड़ियां ऊना पहुंच पाई, जिसके चलते रेल यातायात के करीब आधा दर्जन रूट बाधित हुए हैं। सोमवार शाम से ही ऊना से चलने वाली सभी गाड़ियां नंगल डैम स्टेशन से ही चली। ऊना स्टेशन में रोजाना 3 ट्रेनें आती हैं, जिनमें हिमाचल एक्सप्रेस, जनशताब्दी तथा एक पैसेंजर एक्सप्रेस गाड़ी चलती है। जनशताब्दी सुबह 5 बजे ऊना से चलती है और रात को करीब 10:15 बजे ऊना स्टेशन पहुंचती है। लहासे गिरने से इस गाड़ी के दोनों रूट प्रभावित हुए हैं। सोमवार को ना तो जनशताब्दी ऊना पहुंच पाई और ना ही सुबह ऊना से दिल्ली के लिए रवाना हो पाई। यह ट्रेन रात को नंगल डैम में ही रुकी और यहीं से सुबह रवाना हुई। वहीं हिमाचल एक्सप्रेस पर अंब से अंबाला चलने वाली ट्रेनों के भी दो रूट प्रभावित हुए हैं। सोमवार रात को हिमाचल एक्सप्रेस नंगल डैम से ही चली और मंगलवार सुबह को नंगल डैम तक ही पहुंच पाई। हालांकि रेलवे विभाग ने ट्रैक पर गिरा मलबा हटाने का कार्य शुरू कर दिया है। रेलवे विभाग के स्टेशन मास्टर रोहित झा स्वयं फील्ड में उतरकर ट्रैक खुलवाने में डटे हुए हैं। अभी खबर लिखे जाने तक यह कार्य जारी था। स्टेशन मास्टर रोहित झा का कहना है कि अभी कल ये शाम जो है हमारे पास 18 बजे से जो है लैंड स्लाइडिंग के बाद जो है ट्रेन का मोमेंट जो है बंद है, क्योंकि ट्रैक पे काफ़ी मिट्टी आ गई है, मलबा आ गया है ना, तो उसका कार्य जो है अभी चल रहा है। तो जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक ट्रेन का आवागमन संभव नहीं है, इसलिए अभी बंद है। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए ऊना से मनिंदर अरोड़ा के साथ विकास कौंडल की रिपोर्ट।